So fifth class, today we will start fifth chapter. Come, let's play games. In different parts of Rajasthan, various games are played in different ways. Mardari, Sitolia, Gilli Danda, Hide and Seek, Catch, etc. are the common games. Rajasthan ke different parts ke andar different games khele jate hain. Jaise Sitolia, Gilli Danda, Hide and Seek, matlab chupna aur pakadna aur uske baad mein कैच एक दूसरे को पकड़ना, ये सब कॉमन गेम्स हैं. फिर है चाभर, चौपड़, लायन गॉड, आस्था, चंगा एक्सेट्रा आर द गेम्स प्लेड इन हाउसेस. ये गेम्स जो हैं वो इंडोर गेम्स हैं. कौन से? चौपड़ होती है वो, लायन गॉड, ये कुछ गेम्स के नाम हैं जो घर के अंदर बैठ के खेले जाते हैं. आउटसाइड होम्स कोर्टयार्ड गेम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज ऑन पर्टिकुलर फेस्टिवल्स एज इन और पर्टिकुलर त्यौहार पे भी गेम ऑर्गेनाइज किया जाता है. जैसे मेवाड़ के अंदर सितोलिया खेला जाता है. मेवाड़ सितोलिया इज प्लेड ऑन मकर संक्रांति. मकर संक्रांति के दिन मेवाड़ के अंदर सितोलिया खेलते हैं. काइट्स आर फ्लोड इन वागड़ मारवाड़. मारवाड़ के अंदर ये काइट्स उड़ाना होता है और ढूंढ होती है. तो फिर है थिंक एंड टेल. वॉट गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज. तुम्हारे गांव के अंदर कौन सा गेम खेलते हैं? विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले. तुम्हें कौन सा गेम खेलना पसंद है? विच गेम्स आर प्लेड बाय द एल्डर्स एट योर होम इन योर नेबरहुड. और आपके आस पड़ोस में एल्डर्स कौन से गेम खेलते हैं? तो ये आपको लिखने हैं, ये खुद से क्वेश्चंस करने हैं. विच गेम्स आर बींग प्लेड इन द अबाव पिक्चर्स. ऊपर पिक्चर्स जो दी हुई है उनके अंदर कौन कौन से गेम खेले हुए हैं. हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ टेबल टेनिस. टेबल टेनिस के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? विच गेम्स आर प्लेड आउटडोर इन द ग्राउंड. कौन से गेम बाहर ग्राउंड के अंदर खेले जाते हैं, घर से बाहर आउटडोर खेले जाते हैं? विच गेम्स आर प्लेड इनडोर इन द रूम. और कौन से गेम घर के अंदर खेले जाते हैं? तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप खुद फाइंड आउट करना और लिखना अपने पेरेंट्स की हेल्प से. फिर व्हेन मोर देन वन प्लेयर प्ले टुगेदर अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन डेवलप्स अमंग देम विच इज नोन एज अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. ये एक मतलब ऐसा है कि एक प्लेयर से ज़्यादा जब साथ में खेलते हैं तो कोऑपरेशन की फीलिंग जो है वो डेवलप होती है. जैसे आप लोग क्लास में इतने सारे हो तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हो, एक दूसरे की हेल्प करते हो, उसकी फीलिंग आती है. क्योंकि जब साथ में खेलते हैं तो फीलिंग आती है. तो इस वो उसे क्या कहते हैं? स्पोर्ट्समैन स्पिरिट. फिर हैं गेम्स विच आर प्लेड इन द ग्राउंड आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स. जो घर के बाहर गेम्स खेलते हैं उनको आउटडोर गेम्स कहते हैं. द गेम्स विच आर प्लेड इन क्लोज्ड एरियाज रूम्स आर कॉल्ड इनडोर. और जो बंद जगह में खेलते हैं जैसे रूम में और घर के अंदर, उन्हें इनडोर गेम्स कहते हैं. सिंस दूरदर्शन हैड स्टार्टेड टू टेलीकास्ट कबड्डी मैचेस दीज डेज दिस गेम इज बिकमिंग पॉपुलर. चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्क्रीट ग्राउंड्स एट सम प्लेसेस. दे आर सीन प्लेइंग क्रिकेट ऑल्सो. क्रिकेट इज प्लेड ऑन लार्ज ग्राउंड बट चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग इट इन स्मॉल प्लॉट्स ऑल्सो. नाउ डेज पीपल हैव बिकम क्वाइट aware of their health. Hence, yoga is also becoming more and more popular now. Come, let's know some facts about yoga also. तो दूरदर्शन ने स्टार्ट किया था एक टेलीकास्ट करना कबड्डी मैच को. इन दिनों में हम देख रहे हैं कि ये बहुत पॉपुलर हुआ है. चिल्ड्रन इसको बाहर गलियों में, गली के ग्राउंड में भी खेलते हैं और कुछ कुछ जगह जो है वो क्रिकेट भी खेला जाता है. वैसे तो क्रिकेट जो है वो बड़े ग्राउंड में खेला जाता है, पर हम गली में या ग्राउंड में भी देखते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेलते हैं. और इसी तरीके से हेल्थ को लेके भी आजकल लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, इसलिए योगा जो है वो भी बहुत पॉपुलर हो रहा है. और हम कुछ फैक्ट्स योगा के बारे में भी पढ़ेंगे. ये देखिए आज के टाइम में योगा बहुत पॉपुलर हो रहा है. इसमें आपको पिक्चर दिख रहा है सूर्य नमस्कार. See these pictures. Practice some
आसन्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय टीचर्स एज ताड़ासना, पद्मासना, फिर पवन मुक्तासना, सूर्य नमस्कार. दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्वल आसन्स. पतंजलि ऋषिज अष्टांग योग इंक्लूड्स नम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याचारास, धारणा, ध्यान एंड समाधि. मेडिटेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. इट डेवलप्स एन आर्ट ऑफ लिविंग. इट डेवलप्स अ पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ. योगा इज हेल्पफुल फॉर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. योगा ऐसा है कि सब चीज़ों के लिए, ये जो मैंने नाम बताए ये कुछ जो है आसन्स और इनके नाम हैं. और योगा जो है वो मेंटल पीस के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए, सबके लिए हेल्पफुल है. ये हमारी लाइफ के लिए, योगा जो है हमारी लाइफ को बहुत ईजी करता है, बहुत सिंपल करता है. ये हमें स्ट्रेसलेस बनाता है. अदरवाइज तो हमारी लाइफ में कितना स्ट्रेस है, पर योगा करने से हम बहुत पीसफुल फील करते हैं. तो योगा जो है वो हमारी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए और हमें हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में योगा को इंक्लूड करना चाहिए. तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है.